आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ۔2022 के पहले दो महीनों में ब्राजील से चीन का सोयाबीन आयात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में काफी बढ़ा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के डेटा के मुताबिक दुनिया का सोयाबीन का शीर्ष खरीदार चीन ने ब्राजील से 3.51 मिलियन टन सोयाबीन तिलहन की खरीद की है, जो कि पिछले वर्ष के 1.03 मिलियन टन से 241% अधिक है। पिछले साल ब्राजील में बारिश के कारण कटाई और निर्यात में देरी हुई थी। वहीं इस साल सूखे ने ब्राजील में सोयाबीन की फसल और शिपमेंट दोनों को धीमा कर दिया है। इससे चीन में सोयाबीन की आपूर्ति थोड़ी टाइट है। इससे चीन में कई पेराई करने वालों को अपना काम बंद करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। इसके कारण सोया खली की कीमतों में भी वहाँ जोरदार तेजी आई है। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि सोयाबीन की आवक अभी भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने ब्राजील के अलावा अमेरिका से भी सोयाबीन की खरीद की है। आपको बता दें कि चीन ने 2022 के शुरुआत के दो महीनों में अमेरिका से 10.04 मिलियन टन सोयाबीन की खरीद की है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की 11.9 मिलियन टन खरीद के मुकाबले 16% कम है। पेराई उद्योग ने पिछले साल के अंत में बड़ी मात्रा में अमेरिकी सोयाबीन की बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि वे सस्ती और पुरानी ब्राजील सोयाबीन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिण अमेरिका में सूखे ने शिपमेंट पर प्रीमियम बढ़ा दिया है और चीनी खरीदारों को अमेरिकी कार्गो की ओर रुक करने के लिए प्रेरित किया है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।